सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए घोषित हुई चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 होंगे दो बड़े बदलाव। जानेंगे पूरी खबर। चैनल को सब्सक्राइब करें आईपीएल 2022 से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला जाना है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब हर एक मुकाबला करो या मरो वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स को प्ले ऑफ में पहुंचना है तो हर मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी। अभी तक खेले गए 8 मुकाबलों में से सिर्फ 2 ही मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत हासिल की है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मुकाबले में हमें दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कप्तान रविंद्र जडेजा मोइन अली को दोबारा प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं। पिछले 2 मुकाबलों में चोटिल होने की वजह से मोइन अली नहीं खेले थे। मोइन अली के वापस आने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी को मजबूती मिलेगी, साथ में गेंदबाजी भी मजबूत होगी। मोइन अली को मिचेल सेंटनर की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा तो दूसरी तरफ ड्वेन प्रिटोरियस को भी प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है। ड्वेन प्रिटोरियस की जगह पथी राणा को प्लेइंग 11 में मौका दिया जा सकता है। एडम मिलने के आईपीएल 2022 से बाहर होने के बाद उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर पथी राणा चेन्नई की टीम का हिस्सा बने हैं। पथी राणा काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 को देखें तो ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, मोइन अली, अंबाती रायडू, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, मथीसा पथराना, ड्वेन ब्रावो, महेश तीक्ष्णा और मुकेश चौधरी को मौका दिया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद को हरा पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।